नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारे नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज हम खीरे की सब्जी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए सामग्री देख लेते हैं क्या क्या लगती है। तो हमने ये खीरा एक ले लिया है, इसको धो करके और अच्छे से रख लिया है। और ये गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा को भून करके इसका पाउडर बना लिया है, और हल्दी पाउडर, प्याज, टमाटर, नमक स्वाद के अनुसार, लहसुन और मिर्च। चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। देखिए खीरे को ले लेंगे हम, इसको छीलेंगे नहीं, पर इसका ना जो ये आगे और पीछे का पार्ट होता है ना, इसको निकाल करके हम अलग कर देंगे इस तरीके से। और खीरे को थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि कहीं कड़वा तो नहीं है खीरा, क्योंकि अगर कड़वा होगा ना तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, पूरी सब्जी आपकी कड़वी हो जाएगी। ये देखिए हमने इसके छिलके नहीं उतारे हैं और इस तरीके से कट कर लिए हैं सारे पीसेस को। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। देखिए गैस का हमने पैन रख दिया है, तेल डाल दिया है, अब गैस को जला देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, हम डालेंगे हरी मिर्ची, हमने दो काट कर लंबे शेप में कट कर लिया था, और पांच छह लहसुन की कलियां, इनको डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा चला देंगे। अब हम यहीं पे डाल देंगे प्याज, तीन प्याज को हमने छील करके और काट लिया है इस तरीके से। ये देखिए प्याज भी हमारी पक चुकी है, हमें इसे ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इतना ही करना है क्योंकि हम इसको पीसेंगे। ये तीन टमाटर को कट कर लिया था, इसको भी इसी में डाल देंगे और यहीं पे डाल देंगे नमक, नमक स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक बचा लेंगे बाद के लिए, क्योंकि नमक डालने से ना ये टमाटर थोड़ा सा जल्दी गल जाता है, और हम इसे ढक करके रख देंगे। ये देखिए हमने इसको इससे पहले दो बार खोल करके चेक किया है, चलाया है, अब हमारा ये पक कर तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और मसाले को निकाल देंगे एक प्लेट में। कि हमने प्याज टमाटर को जिसको हमने छौंका था इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लिए हैं और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने जाने देंगे, इसके बाद हम पीसेंगे। ये देखिए गैस हमने जला दिया है और तेल डाल दिया है इसमें, हम सरसों के तेल से बना रहे हैं। हम सेम कढ़ाई लिए हैं, वही वाली जिसमें हमने मसाला पकाया था, हमने कढ़ाई दूसरी नहीं चेंज करी है, उसी में तेल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची पाउडर, हमने मिर्ची उसमें इंग्रेडिएंट में नहीं दिखा पाई थी। ये देखिए एक चम्मच मिर्ची पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ये धनिया पाउडर, ये भी डाल देंगे सबको इसी में और एक बार इस तरीके से चला देंगे और गैस को मत्ती कर देंगे। मसाला डालते समय गैस को मत्ती रखना, और ये हमने जो टमाटर और प्याज सब कुछ पीसा था ना वो डाल देंगे इसी में, लहसुन मिर्ची सब, और इसे इस तरीके से चला देंगे। ये देखिए मसाला हमारा पक कर के तैयार हो गया है, अब हम यहीं पे डाल देंगे खीरा और इसे भी एक बार अच्छे से चला देंगे, मिला देंगे इसी में। ये मैंने इसके छिलके नहीं उतारे हैं क्योंकि छिलका भी बहुत पौष्टिक होता है और ये सब्जी तो खाने में बहुत टेस्टी लगती ही है। इससे पहले मैंने खीरे का रायता भी बना चुकी हूँ, उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूंगी, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हैं मेरे चैनल में। इसमें डाल देंगे गरम मसाला, गरम मसाला बिल्कुल लास्ट में डालना है, एंड में, क्योंकि गरम मसाला ज्यादा पहले डालने से उसका स्वाद इतना नहीं आता है और बाद में डालने से इसका स्वाद ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखिए थोड़ा सा इसको और चला देंगे इस तरीके से। अब हम इसी में डाल देंगे पानी, देखिए हम आधी गिलास से ज्यादा पानी ऐड करें इसमें, और इसे भी अच्छे से मिला देंगे एक बार इस तरीके से, और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए, एक उबाल आ जाए उसके बाद गैस को मंदी कर देना है। और हम इसमें डाल देंगे नमक, नमक डाल करके एक बार और चला देंगे इसे। नमक ध्यान से डालना है क्योंकि नमक पहले भी हम डाल चुके हैं टमाटर में, और इसे इस तरीके से चला देंगे और गैस को मंदी ही रखना है, गैस को मंदी मंदी ही इसे पकाएंगे तभी खीरा पक पाएगा अच्छे से, और इसे ढक करके फिर रख देंगे। ये देखिए खोल करके चेक करेंगे, इससे पहले हम इसको दो तीन बार चला करके देख चुके हैं। ये देखिए हमारी सब्जी पक करके तैयार हो गई है, चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ।
ये हमारे खीरे की सब्जी बन करके तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आप इस सब्जी को ज़रूर ट्राई करिए।